गुड मॉर्निंग बच्चों। चले आज हम लोग जो है यहाँ पर एक गतिविधि कराएंगे, जिस गतिविधि का नाम है कानाफूसी। कौन सी गतिविधि करेंगे? कानाफूसी, है ना। तो वो कानाफूसी की शुरुआत हम यहाँ से अभय से करते हैं। अभय, आप जाओ बेटा और अरुण के कान में जाकर के एक बात बताओ, जो बात मैंने आपको बताई थी वो बात इनको बता के आओ इनके कान में। चलो शुरू करो, तेज आवाज में, नहीं कोई दूसरा ना सुने आपकी बात। तेज नहीं बोलो, केवल बस उसी बच्चे को सुनाई देना चाहिए। चलो इनके कान में बताओ आप। कान में बोलो इनके आप। चलो अंशु, अब आपको बेटा ये बताना है, आपने क्या आवाज सुनी? राजा रानी ने डंडा से मारा। राजा रानी ने डंडा से मारा। अब अभय आप बताओ, क्या मैंने आपको यही बात बताई थी? चलो फिर से बोलो अंशु, क्या सुना आपने? राजा रानी ने डंडा से मारा। राजा रानी ने डंडा से मारा, ठीक। क्या मैंने यही बात बताई थी आपको? मैंने आपको कौन सी बात बताई थी? राजा ने मंत्री को बुलाकर शारीरिक दंड दिया, ये बात मैंने आपको बताई थी, यही बताई थी ना। कौन सी बात बताई थी फिर से बोलो? राजा ने मंत्री को बुलाकर शारीरिक दंड दिया। हाँ, ये बात देखो मैंने इनको बताई थी। कौन सी बात मैंने बताई थी इनको? राजा ने मंत्री को बुलाकर शारीरिक दंड दिया, ये बात मैंने अभय को बताई थी। और अभय ने फिर अपने बगल वाले बच्चे को बताई, फिर उसने सूरभान को बताई, ऐसे वो बात चली और लास्ट में अंशु के पास तक जब वो बात आई तो अंशु क्या कह रही हैं? राजा ने रानी को मारा। रानी शब्द, अच्छा मैंने बोला कहीं, जो मैंने अपनी बात बोली थी उसमें रानी शब्द आया कहीं? नहीं। लेकिन अंशु का कह रही हैं राजा ने रानी को मारा, राजा ने रानी को डंडा से मारा। कैसे मारा? अच्छा, इससे क्या सिद्ध हुआ आज? इस गतिविधि से सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये होता है कि हमने कोई बात इनको बताई और ये बात जो है इनके कान में बता के आए, है ना। उन्होंने ये बात इनको बताई, उन्होंने इनको बताई, लास्ट व्यक्ति तक बात पहुंचते पहुंचते बात का बतंगड़ बन चुका है, बात कोई और थी, अब बन कोई और गई। राजा ने रानी को डंडा से मारा, ये बात लास्ट में इनके पास तक पहुंच पाई। मैंने कहा अंशु से, क्या इन्होंने यही बताया? तो अंशु कह रहे इन्होंने हमको यही बताया है, ये इनको बताया, देखो ना। जबकि बात रियल में कोई और थी लेकिन बात का बतंगड़ बन चुका है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के द्वारा सुनी हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी कोई आपके कान बताए कि आज हम उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, वो आपकी चुगली कर रहे थे, वो आपकी बुराई कर रहे थे, तो हमें उसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें डायरेक्ट उस व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, क्या आपने हमारी बुराई की है? क्या हमारे बारे में ऐसा आपने बोला है? किसी दूसरे की बात पे, सुनी हुई बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे इन्होंने आपको जो बात बताई, आप कह रही हमें इनने ऐसा बताया, ये कह रही हमें इनने बताया, वो कह रही हमें इनने बताया, है ना। तो सच्चाई कुछ और थी और निकली कोई बात और। तो हमें कभी भी दूसरे की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर गलत बातें हैं
अच्छी बातें हैं पढ़ाई संबंधी, तब तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर कोई चुगली वाली बात है तो उसकी बात पे हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू बच्चों।